कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए कुछ पहेली लाया हूँ जिनका जवाब आपको कमेंट करना है। तो आपको सही जवाब देने के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। आपको बिना चीटिंग किए सही जवाब देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहली नंबर एक, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे व्यक्ति अपनी माँ, बहन और अन्य औरतों के टूटते हुए देख सकता है किंतु अपनी पत्नी के नहीं? सही जवाब कमेंट करें। बिना चीटिंग के आपको सही जवाब देना है। देखते आप किस किस का दिमाग तेज़ है। सही जवाब है चूड़िया। पहली नंबर दो, हरे हरे से है दिखे, पक्के हो या कच्चे, भीतर या लाल मलाई जैसे ठंडे, मीठे लच्छे। सही जवाब कमेंट करें। सही जवाब है तरबूज। पहली नंबर तीन, दो अक्षर का नाम है, रहता हरदम जुखाम है, कागज़ मेरा रुमाल है, बताओ मेरा क्या नाम है? सही जवाब कमेंट करें। बिना चीटिंग के आपको सही जवाब देना है। सही जवाब है पेन। पहली नंबर चार, बरगद के वृक्ष के नीचे चार लोग बैठे हैं, लंगड़ा, बहरा, अंधा, लूला, पेड़ से आम गिरने पर सबसे पहले कौन उठाएगा? सही जवाब कमेंट करें। जिसका दिमाग तेज़ होगा वही सही जवाब दे पाएगा। बिना चीटिंग के आपको सही जवाब देना है। आपको 10 सेकंड मिलेंगे सही जवाब देने के लिए। सही जवाब है कोई नहीं। अगर आप पहले को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई नहीं क्यों है सही जवाब। आप एक बार पहले को दोबारा पढ़ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहली नंबर पाँच, ऐसे वाहन का नाम बताएं जिसका नाम आगे पीछे करने पर भी अर्थ में कोई भिदरता नहीं होती। सही जवाब है जहाज। जल से भरा एक मटका जो है सबसे ऊंचा लटका, पीलो पानी है मीठा, ज़रा नहीं है खट्टा। सही जवाब कमेंट करें। बहुत आसान है। सही जवाब है नारियल। पहली नंबर सात, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप खरीदते हो तो रंग काला, उपयोग करते हो तो लाल और फेंकते हो तो सफ़ेद होता है? सही जवाब कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। सही जवाब है कोयला। पहली नंबर आठ, वो कौन सी चीज़ है जो आधा खाने के बाद भी पूरी रहती है? सही जवाब कमेंट करें। पहली के अंदर ही जवाब छुपा है। पहली को रोक के दोबारा पढ़े। सही जवाब है पूरी। पहली नंबर नौ, अरुण टीना के पिता है तो अरुण टीना के पिता का क्या है? सही जवाब कमेंट करें।
सही जवाब है नाम। पहेली नंबर 10, वो क्या है जो बाहर फ्री में और हॉस्पिटल में पैसों से मिलता है? सही जवाब कमेंट करें। बहुत सिंपल आसान है, जो हॉस्पिटल गया होगा उसको पता होगा। सही जवाब है ऑक्सीजन। पहेली नंबर 11, दिल्ली में एक आदमी लगातार 30 दिनों तक नहीं सोया, फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बताओ कैसे? सही जवाब कमेंट करो, बिना चीटिंग के आपको सही जवाब देना है। बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की हम पहेलियाँ ला सके आपके लिए। सही जवाब है क्योंकि वो रात को सो लेता था। पहेली नंबर 12, एक आदमी अपने हर जन्मदिन पर 1 रुपया गुल्लक में डालता है। अपने 60वें जन्मदिन पर जब उसने गुल्लक को तोड़ा तो उसमें केवल 15 ही निकले, ऐसे कैसे हुआ? सही जवाब कमेंट करें, बिना चीटिंग की आपको जवाब देना है। सही जवाब है क्योंकि उसका जन्मदिन 19 फरवरी को आता था, जो 4 साल में एक बार ही आता है। नहीं मालूम तो एक बार कैलेंडर को खोल कर देख लो, सही जवाब आपको पता चल जाएगा। पहली नंबर 13, एक पिता ने अपने बेटे को गिफ्ट देते हुए कहा, इसमें ऐसी चीज़ है जब प्यास लगे तो पी लेना, भूख लगे तो खा लेना और ठंड लगे तो जला लेना, बताओ चीज़ क्या है? सही जवाब कमेंट करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सही जवाब है नारियल। पहली नंबर 14, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी परछाई नहीं होती? सही जवाब कमेंट करें, बहुत ही आसान जवाब है। सही जवाब है सड़क। पहली नंबर 15, ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती? सही जवाब कमेंट करें, बिना चीटिंग के आपको जवाब देना है। सही जवाब है पसीना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम इसी तरह की पहेली आपके लिए ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।